आज हम बनाएंगे मैंगो कैंडी, और वो भी आप 1 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हो। 1 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी अगर आपने इस तरह से ये मैंगो कैंडी बनाई तो। कुछ बातें हैं फ्रेंड जिनको आपको ध्यान रखना है, तो आप ये लॉन्ग टाइम आराम से चलेंगी, बहुत ही टेस्टी बनती है, बच्चे बड़े सबको पसंद आएंगी। लेकिन मैं 1 साल के लिए बोल रही हूँ ना, अगर बच्चों ने चख ली ना तो 1 साल तक छोड़ेंगे ही नहीं, बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे। इतनी टेस्टी ये मैंगो कैंडी बनकर तैयार होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वैसे भी आम का सीजन चल रहा है, तो आप मैंगो लाइए और इस तरह से मैंगो कैंडी बनाइए। तो हमारी रेसिपी अगर फ्रेंड्स आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह हमने ले लिए हैं ये कच्चे आम कैरियां, और इनको मैंने धो के पहले अच्छे से साफ कर लिया था। अब हम इसका जो छिलका है उसको हटा देंगे। तो मैं इसी तरह से जो सारे आम हैं उनको पील कर लूंगी। तो ये देखिए मैंने इनके छिलके हैं वो हटा दिए हैं, और अब हमें इसके पीसेज कट करने हैं। तो मैं इसके लंबे लंबे पीसेज कट कर रही हूँ। अगर आपको अलग टाइप के या स्क्वायर टाइप में इस तरह से आपको इसके पीसेज पसंद है तो उस तरह से आप कट कर सकते हो। और अगर फ्रेंड्स ये गुठली है इसकी तो थोड़ी सॉफ्ट है तो ये इजीली कट गया है, अगर हार्ड है तो आपको साइड से उसका गूदा है उस हिसाब से कट करना है कि अच्छे से इसके पीसेस कट जाएं। अगर इस तरह से कट रही है तो ये थोड़ा सा हार्ड पार्ट है, इसको आपको चाकू से इस तरह से निकाल देना है, देख सकते हो जैसे मैं निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से जो सारे आम हैं उनके में बीच का जो ये गुठली वाला पार्ट है ना, इसको मैं इसी तरह से निकाल दूंगी। पीसेस थोड़े से मोटे होने चाहिए क्योंकि ये सूखने के बाद ड्राई होने के बाद थोड़े सिंक होते हैं। तो ये देखिए मैं इसी तरह से सारे आम हैं उनको कट कर लूंगी। तो यहाँ मैंने सारे आम हैं वो कट कर लिए हैं, तो आप देख सकते हो एकदम लंबे लंबे पीस कट किए हैं मैंने। अब हम ले लेंगे एक भगोनी, और इसमें मैंने डाल दिया है पानी, कुछ नहीं डालेंगे, बस सिंपल पानी है। और पानी इसमें इतना डालना है कि जो हम आम डाल रहे हैं ना वो हमारे अच्छे से डिप हो जाए। तो मैं इसमें सारे कच्चे आम हैं उनको डाल दूंगी, और अब हमें इनको बॉईल करना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स ओवर कुक नहीं होना चाहिए, तो आपको इसको हल्का सा कच्चा रखना है, जहाँ पूरा फुल बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा, मतलब 90% पक जाए, 10% ही इसका कच्चापन रहना चाहिए। तो ये देखिए ये हमारे जो मैंगो हैं वो कुक हो चुके हैं, तो मैंने इसको निकाल लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी कितनी डालेंगे, 1 किलो हमारे आम थे तो हमने इसमें आधा किलो चीनी डाल दी है। इस तरह से टॉस कर लेंगे, और थोड़ी देर में फ्रेंड्स ये पानी छोड़ देगा क्योंकि चीनी है वो मेल्ट होगी, और उसके बाद हमें इसको 2 से 3 दिन के लिए इसी तरह से छोड़ देना है पान चाशनी में डिप किए हुए। तो ये देखिए ये सेकेंड डे है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार चला देती हूँ, इसी तरह से आपको भी चला देना है, और इसका फिर आपको बाद में मुंह कपड़े से बांध देना है। प्लेट से ना ढकिएगा क्योंकि गर्मी का मौसम है तो खराब होने के चांसेस रहेंगे। तो ये देखिए हमको 3 दिन हो चुके हैं, और अब मैं इनको जाली पर निकाल लूंगी। तो इस तरह से आप कोई भी जाली ले लीजिएगा और उस पर हमें इसको इस तरह से निकाल लेना है। इससे क्या होगा, इसकी एक्स्ट्रा चाशनी है वो भी निकल जाएगी, और इनको हमें ड्राई करना है। तो मैं यहाँ इसको पूरे दिन के लिए फैन की हवा में रख दूंगी, धूप में नहीं सुखाना है, फैन की हवा में ही हमें इसको ड्राई करना है। लेकिन जब पूरे दिन आप फैन की हवा में रखोगे ना फ्रेंड्स, तो लास्ट में 1 घंटे के लिए आपको इनको धूप दिखानी है, इससे क्या है ये लॉन्ग टाइम चलेंगे। तो ये देखिए ये हमारे ड्राई हो चुके हैं, मैंने इसी तरह से इनको सुखाया था, बहुत ही सॉफ्ट बनी है फ्रेंड्स, ये नहीं है कि हार्ड बनी हो। अब हमने ले ली है ये पिसी हुई चीनी, और इसमें हम इस तरह से इसकी एक कोटिंग लगा देंगे, इसमें डिप करेंगे और इस तरह से हम कोटिंग लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखिए मैंने इसी तरह से जो आम थे उन पर सब पे मैंने कोटिंग लगा ली है। अब आपको क्या करना है, कोई भी एयर टाइट डब्बे में बंद करके इनको रख देना है, और बीच बीच में आपको 1 आध महीने में इनको डब्बे में से निकाल के हल्की सी धूप दिखानी है। तो इस तरह से आपकी ये 1 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी,
एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है, और ये भी नहीं है कि इसमें मॉइस्चर ज्यादा है, तो खाने में भी बेहद ही टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स आप भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, रिप्लाई जरूर दूंगी। तो फ्रेंड्स कुछ बातें थी जिनको आपको ध्यान रखना है। एक तो जार है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, दूसरा आपको इसको बीच बीच में धूप लगा देनी है जिससे कि ये इसमें मॉइस्चर नहीं आए और ये खराब ना हो। और एक आपको कोटिंग है ना, वो जब खाओ ना उससे कुछ देर पहले ही लगाना है, पहले लगा के नहीं छोड़।